ओम शांति। कल्याणकारी संगम युग पर प्राणेश्वर शिव बाबा करके हम बच्चों को सच्ची सच्ची कमाई कराते हैं, तो हम अभी संगम युग पर सच्ची सच्ची कमाई कर रहे हैं। ये ऐसी कमाई है जो शिव बाबा ही सिखलाता है, और इस कमाई में जब हम प्रलब्ध पाते हैं कोई भी प्रकार का कभी भी दिवाला नहीं निकलता। और कमाई उसमें दिवाला निकलता है, ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा होती है, लेकिन ये कमाई जितना हम दान करते जाते हैं ये बढ़ती जाती है। और ये कमाई सारे कल्प में हम एक ही बार करते हैं, इसलिए इस कमाई में हमें इतना बिजी हो जाना है जो कमाई के अलावा और कुछ याद ना आए। साथ साथ बाबा ने कहा, योग इतना मजबूत करो जिससे तुम अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लो। इससे ही तुम बीमारी पर विजय प्राप्त करते हो, अपनी बीमारी पर जीत पा सकते हो। तो सुनते हैं आज 29 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे, देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। क्वेश्चन, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची सच्ची कमाई है, कैसे? अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलते। गीत के बोल हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना ही चढ़ना और आगे चलते बढ़ना ही बढ़ना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। तो यह है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? तो इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, तो बाबा बच्चों को कौन सी संजीवनी बूटी देता है? वहाँ तो लक्ष्मण के लिए कहा, मूर्छित हुआ हनुमान जी पहाड़ उठा लाए और संजीवनी बूटी उसको दी। तो यहाँ बाबा कौन सी संजीवनी बूटी देता है? मन मना भव। भक्ति मार्ग में चह चटा बहुत है, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है।
तुम मुझे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं, अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। तो बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ। कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है, सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उनको श्रृंगारा भी बहुत अच्छा जाता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार शौक से करते हैं। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सामरी है, देखो गव में भी सामरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे पर गया तो बहुत अच्छी गव में थी, कृष्ण की गऊ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कोई कैसे कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है ना, ऐसी गम में वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। तो विचार करो, गम में तो जरूर होनी चाहिए, वहाँ की गमों का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होती होगी। जमीन को खाद भी चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है, वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है, हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, तमो प्रधान प्रकृति हो गई। प्रकृति से चीज़ जो भी बनी हुई है तो वो पावरलेस चीज़ें ही बनेंगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, यहाँ की कोई भी चीज़ में पावर नहीं। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, सुबी रस आदि पीती थी, ये सब साक्षात्कार कराते थे। शुरू में बाबा बहुत बच्चियों को साक्षात्कार कराते थे, बाबा वो बता रहे हैं। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। यह साक्षात्कार होता है, बैकुंठ तो फिर भी यहाँ ही होगा ना, इस भारत में ही होगा, लेकिन तब कलयुग नहीं होगा, ये नर्क नहीं होगा, केवल बैकुंठ होगा। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, साक्षात्कार होता है, बैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है, बैकुंठ सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती हैं वह फिर इन आँखों से देखेंगे, जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो फिर टिकट रहती है, खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, फिर खुद और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है पतित दुनिया, कोई अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल हैं, परंतु वहाँ की भेंट में यहाँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं, वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गमें होती हैं, वहाँ ग्वाले भी होते हैं, श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वो कहते हैं गुजर अर्थात गवाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण की वंशावली नहीं कहेंगे,
कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गमे होंगे तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सत्युग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कहलाने लगे। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ। हाँ, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, बोलिए किसने स्थापन किया? तो जरूर कहेंगे शिव बाबा ने, ब्रह्मा द्वारा अब स्थापन कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्री मत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर रावण राज्य होता है। विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वैश्लेष बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर वार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य तो आसुरी मत पर चल रहे हैं, और तुम किसकी मत पर चल रहे हो? ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आई हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह हैं जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। तो बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मा ही सतो प्रधान बनेगी। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्मा ही तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका एक जैसा पार्ट हो न सके। सबसे ऊंचा पार्ट किसका है? सबसे ऊंचा पार्ट शिव बाबा का है, उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है, तो बड़ा पार्ट उनका है ना। पहले है शिव बाबा का और फिर है ब्रह्मा और सरस्वती का, जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं, पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की कौन सी सेवा शिव बाबा करते हैं? सारे विश्व की करते हैं, बच्चों को जीवन मुक्ति में ले जाते हैं वाया मुक्ति, और बाकी सभी आत्माओं को मुक्ति में ले जाते। ये बाबा बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं यहाँ सिर्फ शिव बाबा लोन लेते हैं, पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा।
शंकर को बाबा कहना शोभता ही नहीं, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है, सारा मदार है किस पर, क्या आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, सारा मदार है योग पर। योग से ही विकर्म विनाश होंगे, योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात, भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो, धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है, ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सत्युग में ये पाठ नहीं होगा, वहाँ तो प्रारब्ध का पाठ है। मनुष्य बैरिस्टरी पढ़ते हैं फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं, ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, जो एक ही बार संगम युग पर ये कमाई होती है। और सच्चा बाबा ये कमाई कराता है, और कोई ये कमाई करा नहीं सकता। इनका कभी दिवाला भी नहीं निकल सकता, ऐसी कमाई है ये, फिर कोई दिवाला नहीं निकल सकता। अभी तुम सच की कमाई करते हो, फिर 21 जन्म साथ रहती है, वो कमाई साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। क्योंकि ये कमाई आत्मा करती है, और ये कमाई संस्कारों में जाती है, और आत्मा जब शरीर छोड़ती है कुछ भी साथ नहीं जाता। जो आत्मा के अंदर संस्कार हैं वो संस्कार साथ जाते हैं, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित चेतन अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं। और आत्मा में जो संस्कार हैं वो भी ऐसे खत्म नहीं होते, तो वही साथ ले जाते हैं। तो संस्कार जो संगम युग पर हमारे श्रेष्ठ कमाई के बन रहे हैं वही साथ चलते हैं। तो बाबा बता रहे कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी दिवाला ना निकल सके। अभी तुम सच कमाई करते हो, फिर 21 जन्म साथ रहती है, वो कमाई साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं, बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, कौन सी, एक ही बात है बस, बाप को याद करो, जिस बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती। सत्युग में पूरे 150 वर्ष की आयु पूरी होती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अब ये पुराना चोला छोड़ नया लेंगे। तो बाबा बता रहे बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते रहेंगे। बाप को याद करूं परंतु कर नहीं सकेंगे, याद में ही फेल होते हैं, योग की बहुत बहुतों में कमी है, तो जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। कच्चा पक्का नहीं, थोड़ी देर का नहीं, जितना हो सके याद में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, ज्ञान भी याद में भरा हुआ है, धारणा भी याद में भरी हुई है, सेवा भी याद में भरी हुई है,
संबंध संपर्क में सेवा करना वो भी याद में ही भरी हुई है, मनसा सेवा भी याद में भरी हुई है। जितनी याद में रह करके मनसा पावरफुल बना करके सेवा करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा बता रहे हैं याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, हाँ स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वह है, ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए, सदा सुखी अमर बना देते हैं। तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो, ऐसे बाप को जो अमरपुरी का मालिक 21 जन्मों के लिए बनाता है, ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने मुख्य याद की यात्रा, याद में बाबा ने कहा सब कुछ समाया हुआ है, चाहे वो ज्ञान है, योग है, सर्वशक्तियाँ हैं, सेवा है, धारणा है। तो इसलिए जितना याद करेंगे उतना ही बाबा ने कहा फायदा है। तुम यहाँ पर सच्चे सच्चे बाबा से सच्ची कमाई कर रहे हो, और ये कमाई कल्प में एक ही बार होती है जो बाबा यहाँ संगम पर कराते हैं, और यही कमाई हमारे साथ चलती है। बाबा ने कहा वो कमाई साथ नहीं चलती, इसलिए इस कमाई में बच्चों को साथ देना है। तो धारणा है ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखलानी है। सेकंड पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानीपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भाव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वाले में कभी भी किसी भी प्रकार का अनजानपना नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योगयुक्त हैं उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनक वाली है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उसके लिए हार खाना असंभव है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रश्न में नहीं, जो सदा प्रसन्नचित है वो कभी प्रसन्नचित नहीं हो सकता। तो आज के बाबा के महावाक्य आप सभी ने सुने, आप सभी राजी खुशी होंगे, मंगल होंगे। बाबा की याद में सारे विश्व को योगदान दे रहे होंगे, साथ साथ आपके परिवार में सभी खुश होंगे। आप सबको खुश रखना है, खुशी बांटनी है, खुश रहने वाला ही सब बातों को ऐसे समझता है जैसे आई और गई। खेल लगता है, खेल खेल में जब हम कोई भी बात को क्रॉस करते हैं तो मन हल्का होता है। तो इसलिए मैं आप सबके प्रति सदा ही शुभकामना रखती हूँ, और यह भावना रखती हूँ कि सदा खुश रहो, आबाद रहो। ओम शांति।